दूध भी देते जब बेचना होता है ये पैसे भी देते हैं। क्या ही बात, लेकिन बोली चली रहे थे बोली चली पता कर रहे हैं काम जी क्या काम हमारा जिंदा खुदा है। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, अभी दो दो मिनट हो गया और दोनों तालियां चाहते हुए सकते हैं, क्योंकि यही मैं करना चाहती हूँ। मैं लोगों को तब्दील करने वाली बनना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में खुदा को और उसके कलाम को अपने मुंह से इस तरह इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि लोग मसा पाएं और वो तब्दील हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे भी अंदर से मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया और वो ऐसा कई देर से करना चाहता था। मैं 9 साल की थी जब मैंने खुदा को कबूल किया और अब मैं 63 साल की हूँ और खुदा मेरी जिंदगी जहाँ लोगों को गुजरना होता था और एक शख्स को स्लीप पर मरने के लिए 3 दिन लगते क्योंकि एक जो कि एक लंबा वक्त था और मुजरम इतनी देर तक किस कदर चीखता और चिल्लाता कि लोगों को उसे देखना पड़ता और लोग ये जानते कि स्लीप का क्या मतलब है। किसी शान शौकत का नाम ना था बल्कि ये एक शर्मनाक चीज थी जो चोरों के लिए थी। अगर आप कोई चीज चोरी करते हैं तो आपको स्लिप दी जाती। यीशु को भी उन स्लिपों को देखना पड़ा और उसे इसकी अजियत का एहसास था, इसलिए यीशु ने कहा कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु किस चीज की बात कर रहा था? क्या उस अजियत की जो हर कोई उन दिनों स्लिप पर बर्दाश्त करता था? नहीं, बल्कि दुनिया जहां के गुनाहों के
हो।